नमस्कार दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी नाजुक है, मुझे वायरल फीवर है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो आपको तो उसको दरकिनार कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। गांधी जी वर्ष 1917 में कस्तूरबा जी और अपने सहयोगियों के साथ भितिहरवा आए थे और यहाँ एक आश्रम बनाया था। यह भितिहरवा आश्रम के रूप में प्रसिद्ध है। भितिहरवा से गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन सफल हुआ और तीन कठिया प्रथा खत्म हो गई। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी और बा यानी कि कस्तूरबा गांधी जी के दिल के बहुत करीब था भितिहरवा आश्रम। तो इस आश्रम में प्रेजेंट में आपको गांधी जी से जुड़े बहुत सी जानकारियाँ, बहुत से तस्वीर देखने को मिलेंगे। जैसे कि तस्वीर में आप देख रहे हैं वीडियो के, ये महात्मा गांधी का स्मारक है, मुख्य स्मारक है। यहीं वो बैठकर सारी मीटिंग किया करते थे। आज के समय में तो यहाँ केवल तस्वीर ही आपको दिखेंगे। ये हैंड रिटन महात्मा गांधी जी की लेटर्स हैं जिन्होंने अपने हाथों से उन्होंने लिखा। नील की खेती की पुरानी फोटोज़ आप देख सकते हैं। नील की खेती उस टाइम बहुत प्रचलन में थी और अंग्रेज़ ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे। तो वो सारे तस्वीर हैं। बेतिया रानी का आवास, बेतिया रानी जो थी उनका आवास है ये। उसके बाद से भितिहरवा आश्रम का पुराना तस्वीर जब पहली बार बनाया गया था। ये शुक्ला जी हैं और ये महात्मा गांधी जी हैं। बहुत सारे तस्वीर आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। ये भिलाह कोठी का भगवान का शेष है और ये देखिए उस समय का भारत कैसा था, उस समय का बिहार कैसा था, लोग उस समय कैसे रहते थे। केवल धोती पहने रहते थे, बहुत गरीबी थी उस टाइम भारत में। मशीन द्वारा नील की मथाई आप देख सकते हैं यहाँ पे। नीलहा कोठी की पुरानी तस्वीर भी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। बेतिया राज का पुराना तोप ये बहुत प्रचलित है और उसकी तस्वीर है यहाँ पे। नीलहा कोठी का ये जो प्रेजेंट का फोटो है वो आप देख सकते हैं। ये सारी तस्वीर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे आसपास के मतलब चंपारण के जितने भी कोठी हैं उनके फोटोज़ यहाँ देखने को मिलेंगे। साथ साथ में चंपारण सत्याग्रह से जुड़े बहुत सारे लोगों के घर देखने को मिलेंगे, उनकी तस्वीर देखने को मिलेगी। और बेतिया राज का मुख्यालय तो सारे तस्वीर पर लिखा हुआ है। तो अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप बस भितिहरवा आश्रम को अच्छे से देखिए, क्योंकि मैंने हर एक एंगल से हर एक जगह को कवर किया है। ऐसा वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो आपको बहुत सारी गलत कहानियों के साथ मिलेगा। तो कहानी बताने के लिए मेरे पास ही बहुत सारी कहानियाँ थी, लेकिन मैंने जेन्युइन ही इस वीडियो को रखा है। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।